इतिहास रच डाला अपने पावर स्टार पवन सिंह ने दोस्तों। की फिल्म आई थी अगस्त की 28-29 के आसपास एंड फिल्म का नाम सूर्यवंशम। हर एक फैन की जुबान पे रच दिया है अपने पावर स्टार पवन सिंह ने दोस्तों। पहली बार भोजपुरी फिल्म मल्टीप्लेक्स में धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है दोस्तों। इसको लगातार 5 हफ्ते शानदार हिट तो क्या सुपरहिट उसने टैग ले डाला अभी से। एंड इसका दोस्तों अब छठा हफ्ता स्टार्ट होने वाला। इसने ऑलरेडी अभी भी दोस्तों बिहार झारखंड के सिंह पुलिस के पटना में 2:40 का शो लगा है। श्याम ज्योति में लगा है दोस्तों 4 बजे का शो है। एंड ये है अपना 4:40 का दोस्तों सपना में, आरा में, गौरव में 4 बजे का, लक्ष्मी स्क्रीन में 3 बजे का, हाजीबाग में, नेशनल हाजीपुरा में, तलाबंद में, कुमार में, भाई क्या क्या देखो, स्टार में, जो कि कार्ड में दोस्तों, मुंबई में लगा है, सुपर प्लाजा में दोस्तों। इसके हर जगह शो लग चुके हैं, बिहार, झारखंड, यूपी, मुंबई, हरियाणा, एमपी, दिल्ली एनसीआर के बड़े बड़े थिएटर दोस्तों, गुजरात में, चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में। इसका भाई मैं क्या क्या बताऊँ, 5 हफ्ते बाद भी प्रदर्शन कड़क कड़क एक नंबर का। अब दोस्तों फिल्म ने फ्राइडे को अपने डे 29 पर दोस्तों कमाई कर ली है। पीवीआर में 2,96,000, शो लगाए 107, टिकटें बेची हैं 336। इसने सिन पुलिस में कमाई करी है 2.35 लाख की, 2,23,000 की, शो लगाए हैं 61, टिकटें बेची हैं 935। इसने दोस्तों आईनॉक्स में कमाई करी है 1,98,000 के करीब, 2 लाख के आसपास की, शो लगाए हैं 106, टिकटें बेची हैं 958 के आसपास, 985 के आसपास। इसने अब कुल कमाई कर ली अपने डे 29 पे दोस्तों, फ्राइडे के दिन दोस्तों, जहाँ पे देवारा फिल्म पैन इंडिया रिलीज हो चुकी है एंड उसका डंका बिहार में, झारखंड में, यूपी में बज रहा है। तो अपनी सूर्यवंशम फिल्म ने दोस्तों नेशनल चेन डाटा में डे 29 पे फ्राइडे को कमाई करी है 7,18,000 की, कुल शो लगाए हैं 274, टिकटें बेची हैं 3,255 के आसपास दोस्तों। इसने इंडिया ग्रॉस कमा लिया है 18,29,000, इंडिया नेट कमा लिया है 15,61,000, ऑक्यूपेंसी 18% की है, टिकटें सोल्ड है 15,785 एंड शो लगाए 440 के आसपास दोस्तों। इसके देखो ग्रॉस कमाई आती है 2D की 18.2 लाख के आसपास दोस्तों। एंड अब दोस्तों फिल्म अपने जहाँ पे पहले तुम कमाए थे डे 1 से लेकर डे 7 तक इंडिया नेट 2 करोड़ एंड ग्रॉस 2.5 करोड़ के आसपास। फिल्म की 2 हफ्ते की कमाई थी इंडिया नेट 3.6 करोड़, ग्रॉस 4 करोड़ तक। फिल्म की दोस्तों 3 हफ्ते की कमाई थी इंडिया नेट 5 करोड़, ग्रॉस 6 करोड़। फिल्म की दोस्तों 4 हफ्ते की कमाई थी 7 करोड़ इंडिया नेट एंड ग्रॉस 8.3 करोड़ दोस्तों। इसका 5वां हफ्ता यानी दोस्तों डे 29 शुक्रवार, इसने कमाई है इंडिया नेट 15.6 लाख, ग्रॉस 18.2 लाख। अब इसका दोस्तों डे 30 है, वीकेंड है, शनिवार है, ये थोड़ी बहुत जंप लेने वाली है। इसका आपको नमूना ये रहा, इसने बुकिंग कर ली अपने डे 30 के लिए, इसने कमा के दोस्तों 50,000 की बुक माई शो पर पेटीएम पे, ये कमा लेगी इंडिया नेट 35 लाख तक, ग्रॉस कमा लेगी 41 लाख तक। इसकी डे 1 से लेके डे 30 की कुल कमाई निकल के आती है दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे बुकिंग के नाम पे 14,58,000, इंडिया नेट 7,68,00,000, इंडिया ग्रॉस 8,81,00,000 के आसपास दोस्तों। एंड फिल्म का बिग बजट था 3 करोड़, उसमें फीस थी पवन सिंह की 95 लाख। तो अब इसने अपने बजट के दोस्तों दुगनी कमाई करके मेकर्स को मालामाल कर दिया है। अब इसका अगला टारगेट दोस्तों ब्लॉकबस्टर होना, जो कि 10 करोड़ के आसपास हो जाएगा। अगर ये कमा लेती है 15 करोड़ तक तो ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन जाएगी दोस्तों। मांगूंगा अगली वीडियो में, तब तक बाय गाइस, टेक केयर।